एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईसीएच एजुकेशन। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्लास फोर ईबीएस चैप्टर 17 आर क्लॉथ्स। तो आज हम क्लॉथ्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के ट्रेडिशनल क्लॉथ्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, इंडियन ड्रेसेस हैव अंडरगॉन चेंजेस एट वेरियस स्टेज। हमारे जो इंडियन ड्रेसेस है, इनमें अलग अलग स्टेज में बदलाव आया है। The influence of various culture from time immemorial like Aryans, Thais, Mughals, French and the British has influenced the dresses in India. हमारे इंडिया में कई प्रकार के कल्चर्स आए, जैसे कि आर्यन, थाइस, मुगल, फ्रेंच, इट मीन्स फ्रांसीसी और ब्रिटिश। इन सब के आने से हमारे इंडिया के ड्रेस पर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि सबका पहनावा अलग अलग था, है ना। उसकी वजह से हमारे इंडिया के पहनावे पे भी प्रभाव पड़ा है। एंशियंट इंडियन रॉक स्कल्पचर, द केव पेंटिंग एंड ह्यूमन आर्ट फॉर्म फाउंड इन टेम्पल्स एंड मोन्यूमेंट्स सजेस्ट द काइंड ऑफ ड्रेसेस वॉर्न एट द टाइम। ओके, एंशियंट टाइम पे जो रॉक स्कल्पचर थे, मतलब चट्टानों पे जो आकृतियाँ बनाई जाती थी, जो गुफाओं में पेंटिंग होती थी, या फिर जो ह्यूमन आर्ट्स जो इंसान बनाया करते थे, ये सारी चीज़ें टेंपल और मोन्यूमेंट में हमें देखने को मिलते हैं। इससे ये समझ में आता है, ये हमें ये सजेशन देते हैं कि भाई उस समय पे कितने प्रकार के ड्रेसेस इंसान पहनता था, क्योंकि सब स्कल्पचर में पहनने का तरीका, ये सारी चीज़ें डिफरेंट बताई गई हैं। The clothing system was also related to the social and economic status of the person. और जब हम उन स्कल्पचर्स को देखते थे तो हमें समझ में आता था कि उनमें सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस भी है, मतलब उस समय भी अमीर और गरीब हुआ करते थे। उनके कपड़ों से समझ में आया जिस प्रकार से उस स्कल्पचर को वो कपड़े उन्होंने पहनाए। ओके, द अपर क्लासेस ऑफ सोसाइटी लाइक द किंग एंड क्वींस वोर फाइन मसलिन गारमेंट्स एंड सिल्क फैब्रिक, वाइल द कॉमन क्लासेस वोर गारमेंट मेड अप ऑफ लोकली मेड फैब्रिक। उसमें ये पता लगा हमें कि जो अपर क्लासेस सोसाइटी के राजा या फिर रानियाँ थे, वो मसलिन गारमेंट, इट मीन्स मलमल के कपड़े या सिल्क रेशम फैब्रिक के कपड़े पहना करते थे, ठीक है। और वहीं पर लिया जाए कॉमन क्लास के लोगों को, तो वो कॉमन जो साधारण लोग थे वो पहनते थे लोकल जो फैब्रिक से बनाए जाते थे कॉटन के कपड़े, उन्हें। फॉर इंस्टेंस, वुमेन फ्रॉम रिच फैमिलीज वोर क्लॉथ्स मेड अप ऑफ सिल्क फ्रॉम चाइना। और आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि जो रिच फैमिलीज थी, उनकी औरतें सिल्क के कपड़े पहनती थी जो कि चाइना से आते थे, लेकिन जो कॉमन साधारण औरतें थी, साधारण घरों की औरतें, वो साड़ी पहनती थी, वो भी कॉटन की जो लोकल वहाँ के लोग बनाते थे, इट मीन्स लोकल फैब्रिक जहाँ चलता था वहाँ पर, वो वही कपड़े पहनते थे। तो इन कपड़ों से भी समझ में आता था कि कौन कॉमन पीपल है और कौन रिच फैमिली से बिलोंग करता है। अब आगे पढ़ते हैं। द मुगल्स वोर ड्रेसेस मेड ऑफ सिल्क। और मुगल जो थे वो सिल्क के ड्रेस पहनते थे, वेलवेट एंड ब्रोकेट दैट वर डिजाइन लग्जरीली टू कॉम्प्लीमेंट इंटरेस्ट इन आर्ट एंड पोइट्री। और उनके जो कपड़े वेलवेट के रहते थे, ब्रोकेट्स के रहते थे, और इस तरीके से उसको लग्जरीसली डिज़ाइन किया जाता था कि उसे साफ समझ में आता था कि वो आर्ट और पोइट्री में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। द राजपूत मेन ड्रेस्ड इन अंगाराखी, पगड़ी, चूड़ीदार और पजामा एंड अ कमरबंद बेल्ट। इसको आप अंडरलाइन कीजिए कि राजपूत लोग क्या पहनते थे। वो पहनते थे अंगाराखी, पगड़ी, चूड़ीदार पजामा, ओके, या फिर वो जो बेल्ट जो कमरबंद है उसे पहनते थे, इसे याद रखिएगा। देयर मेन कैरिड अ लॉट ऑफ वैलर एंड डिग्निटी बाय वेयरिंग द ड्रेसेस। जब वो पहनते थे ना राजपूत मेन इन सब ड्रेसेस को एक साथ, तो उनको देखकर ऐसा लगता था कि वीरता और उनकी गरिमा, वैलर एंड डिग्निटी उनमें से झलक रहे उनकी ड्रेस में से। राजपूत वुमेन कंटिन्यू टू वेयर साड़ी और लहंगा चोली ट्रेडिशनली। और राजपूत जो औरतें थीं वो पहनती थी साड़ी, लहंगा चोली, जो कि वहाँ का ट्रेडिशन था। ट्रेडिशनल इंडियन क्लॉथिंग फॉर वुमेन इन द नॉर्थ एंड ईस्ट आर साड़ी। नॉर्थ और ईस्ट में जो वुमेन्स थी वो साड़ी पहनती थी। मेखला, सदूर, एथनिक रैप अराउंड स्कर्ट वॉर्न विथ चोली और टॉप। और क्या क्या पहनते थे? मेखला सदूर पहनते थे, ओके, एथनिक रैप
अराउंड स्कर्ट पहनते थे, किसके साथ पहनते थे, चोली या फिर किसी टॉप के साथ पहनते थे। इन द साउथ वुमेन कंटिन्यू टू वेयर साड़ी मेड ऑफ कॉटन और सिल्क, और साउथ की जो वुमेन्स थी वो पहनती थी साड़ी जो कि बनी होती थी सिल्क या फिर कॉटन से। सलवार कमीज हैज़ बीन ट्रेडिशनली वोर्न बाय द वुमेन इन पंजाब कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। पंजाब कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की जो औरतें थीं वो पहना करती थी क्या, सलवार कमीज। ठीक है, ये वहाँ का ट्रेडिशन ही था, सलवार कमीज उसके साथ में चुन्नी तो लेना कंपलसरी। आजकल तो वो कंपलसरी नहीं रहा। अब मेन हैव बीन ट्रेडिशनली वेयरिंग धोती एंड लुंगी एज लोअर गारमेंट, और जो आदमी होते थे वो नीचे क्या पहनते थे, धोती लुंगी। ओके, कुर्ता अंगरखा, देखो वो था अंगाराखी और ये था अंगरखा। ओके, ऊपर की तरफ पहनते थे वो लोग कुर्ता, नीचे लुंगी पहन ली, ऊपर कुर्ता पहन लिए, या फिर अंगारखा पहन लिए, या फिर बंद गला का कुछ पहन लिए जिसे बंद गला बोला जाता था। हैव बीन द ट्रेडिशनल अपर गारमेंट ऑफ द मैन, ये ऊपर का था पहनने वाला सामान और नीचे वाला लुंगी धोती। ओके, हेड गियर्स लाइक पगड़ी और दस्तार हैव बीन वोर्न बाय मैन, और आदमियों के द्वारा सर पर पगड़ी या दस्तार पहना जाता था। दीज आर ट्रेडिशनली टाइट टर्बन, जो कि ट्रेडिशनल था और इसे टर्बन की तरह यूज किया जाता था, इट मीन्स साफे की तरह। ओके, इन द साउथ मेन वोर फैटास, फैटा बोलते हैं ना, एज हेड गियर्स, और साउथ में उसको फैटा बोलते हैं, उसको पहना जाता था सर के ऊपर। इट इज अनदर स्टाइल ऑफ टाइंग द टर्बन, और ये टर्बन बांधने का अलग अलग तरीका होता है। देखो पंजाबी लोग कुछ अलग तरीके से बांधते हैं, राजस्थानी लोग कुछ अलग तरीके से बांधते हैं, आपने देखा होगा किसान लोग भी कुछ अलग तरीके से सर पे बांधते हैं, फिर जो साउथ के लोग हैं वो भी अपने जो साइड में फटा बोल रहे हैं ना जिसको, वो भी कुछ अलग तरीके से फैटास अलग तरीके से करते हैं। तो सभी है तो टर्बन, लेकिन सबके पहनने का तरीका बिल्कुल अलग है। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया पीपल स्टार्टेड वेयरिंग द गांधी टोपी और कैप, अब जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ हमारे इंडिया में तो तब लोगों ने गांधी टोपी को पहनना भी शुरू कर दिया। वुमेन हैव बीन यूजुअली कवरिंग देयर हेड विद लूज एंड ऑफ देयर साड़ी का आंचल और पल्लू। वुमेन वेयरिंग लहंगा चोली और सलवार कमीज यूज द चुनरी और दुपट्टा टू कवर देयर हैड्स। ओके, फिर उसके बाद लेडीज जो थी औरतें उन्होंने क्या पहनना शुरू किया, साड़ी जो कि थोड़ी सर के ऊपर रखा हुआ रहता था, पल्लू वो थोड़ा ढीला रहता था, और आगे की तरफ जो चीज़ रहती थी उसे आंचल या पल्लू बोला जाता था। या फिर औरतें पहनती थी सलवार कुर्ती, ओके, सलवार कमीज चुन्नी के साथ, और उसको सर पे उस चुन्नी या दुपट्टे को सर कवर कर लेती थी। ओके, एम्ब्रॉयडरी हैज़ ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन ड्रेसेस, अब हमारे इंडियन ड्रेसेस का एक आर्ट है एम्ब्रॉयडरी। इट इज़ द आर्ट ऑफ यूजिंग डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्टिचेस एज अ डेकोरेटिव फीचर इन फैब्रिक। एम्ब्रॉयडरी में ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द यूज ऑफ अदर मटेरियल सच एज मेटल स्ट्रिप, पर्ल, बीट्स, क्विल्ट एंड सेक्विन। जरदोजी एंड चिकनकारी आर टू वेरी पॉपुलर स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी। ठीक है ना, तो एम्ब्रॉयडरी बहुत उस समय बहुत यूज़ हुआ करती थी ड्रेसेस पे, अलग अलग स्टिचेस चलती थी फैब्रिक पे, और एम्ब्रॉयडरी में भी क्या था, कुछ मटेरियल यूज़ होता था वो भी अलग अलग थे, जैसे कि मेटल की स्ट्रिप यूज़ हो गई, पर्ल मोती या बीट्स या क्विल्ट या फिर सेक्विन, ये सारी चीज़ें यूज़ किया जाती थी। और उस समय दो पॉपुलर एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा चलती थी जो कि थी जरदोजी और चिकनकारी। इंडियन मैन एंड वुमेन हैव ऑल्सो वॉन्ट ज्वेलरी, अब चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, दोनों ज्वेलरी पहनते थे। द रॉयल वोर एक्सपेंसिव ज्वेल एम्बेडेड इन गोल्ड और सिल्वर, जो रॉयल्स रहते थे मतलब जो अमीर घराने के लोग रहते थे वो सिल्वर और गोल्ड की ही एम्ब्रॉयडरी पहनते थे एक्सपेंसिव। सम एंशिएंट स्टैट्यूज एंड स्क्रिप्चर्स ऑल्सो सजेस्ट द यूज़ ऑफ क्ले एंड कॉपर ज्वेलरी, और यहाँ पर कुछ पुराने स्टैट्यूज हैं उससे हमें ये समझ में आता है कि पहले के लोग क्ले और कॉपर की ज्वेलरी का भी यूज़ करते थे, इयर रिंग्स, नेकलेस, एंकलेट, बैंगल्स वगैरह वगैरह। ओके, एंकलेट्स मतलब पायल, वर कॉमन फॉर बोथ जेंडर, मतलब दोनों लोग ही पहनते थे, ये कम पहनते थे
जेंट्स लोग और लेडीज़ थोड़ा ज़्यादा पहन लेते थे। नोज रिंग मतलब नाक की पहनते थे एंड जूड़ा पिन भी डालते थे स्पेसिफिक टू वुमेन। ये सारी चीज़ें वुमेन की रहती थी, आज भी उन्हीं की हैं। ओके मॉडर्न मॉडर्न डे इंडियन क्लॉथिंग इज नाउ अ वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन। आज मॉडर्न डे आ चुका है, हमारे इंडिया में क्लॉथ की वैरायटी का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। फॉर वर्क प्लेसेस पीपल चूज टू वियर फॉर्मल वेस्टर्न क्लॉथिंग लाइक ट्राउजर एंड शर्ट्स स्कर्ट्स एंड टॉप सलवार एंड कमीज चूड़ीदार कुर्ता लाइक दिस। मतलब आज लोग जब अपने काम की जगह पे जाते हैं तो फॉर्मल वेस्टर्न कपड़े को ही पहनना पसंद करते हैं, जैसे ट्राउजर टी शर्ट हो गया, स्कर्ट टॉप हो गया, सलवार कमीज हो गई, चूड़ीदार कुर्ता हो गया। साड़ी आर वोन फॉर फॉर्मल मीटिंग एंड ओकेजन, और साड़ी को पहना जाता है सिर्फ फॉर्मल कोई मीटिंग हो गई या फिर कोई ओकेजन्स हो गया। जीन्स एंड टॉप आर वोन ऑन कैजुअल ओकेजन, और जीन्स और टॉप को कैजुअल ओकेजन में पहना जाने लगा, मतलब अब पहना जा रहा है। मैन मेनली वियर शर्ट एंड ट्राउजर्स, और आदमी लोग क्या पहनते हैं, मतलब मैन जो पहनते हैं वो शर्ट और ट्राउजर पहनते हैं। समटाइम जीन्स आर पेयर्ड विद टी शर्ट, कभी कभी तो कैजुअल ओकेजन में वो लोग जीन्स और टी शर्ट भी पहन लेते हैं क्योंकि काफ़ी फ्री लगता है जीन्स और टी शर्ट पहनने पर, प्रेस का भी झंझट नहीं रहता है ना। क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन आर मोस्टली प्रेफर्ड फॉर कैजुअल ओकेजन व्हाइल ट्रेडिशनल ड्रेसेस मेड ऑफ सिल्क और ब्रोकेड आर वोर्न ड्यूरिंग वेडिंग एंड फेस्टिवल। जो क्लॉथ्स रहते हैं ब्रोकेड और वो सिल्क वाले जो कपड़े रहते हैं, इनको तो भाई इंसान आजकल शादी पार्टी में ही पहनता है। ऐसे नॉर्मली बोलेंगे जॉब मार्केट, ये महंगी वाली साड़ी पहन के हैवी पहन के तो जल्दी से कोई नहीं जाता पहन के, है ना। तो शादी के कपड़े आजकल कुछ अलग ही रहने लगे हैं। मॉडर्न ज्वेलरी इज ऑल्सो डिफरेंट, और जो ज्वेलरीज है पहले के ज़माने की अच्छी बड़ी बड़ी भारी भारी हुआ करती थी, आज की ज्वेलरी हो गई है काफ़ी अलग हो गई है क्योंकि सब कोई हल्का पहनना पसंद करता है, सस्ती भी आती हैं, वैरायटी भी बहुत हो जाती हैं। दे आर लाइटर एंड हैव कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन सूटेड टू मॉडर्न लाइफस्टाइल, और आजकल की जो डिज़ाइन हो गई है इतनी अच्छी हो गई है, मॉडर्न लाइफस्टाइल से मिलती जुलती काफ़ी अच्छी लाइट है और एकदम यूनिक डिज़ाइन है। तो ये मॉडर्न ज्वेलरीज भी बदल गई है, मॉडर्न हो गए हमारे भी कपड़े, हम भी कभी भी कुछ भी पहन रहे हैं, पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था, है ना। तो स्टूडेंट्स ये आपके और क्लॉथ्स अवर क्लॉथ्स का जो वीडियो है एक्सप्लेनेशन का, मेरा यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये ट्रेंडिंग क्लॉथिंग ऑफ इंडिया वाला चैप्टर पसंद आया होगा, और इसमें जो याद करने वाली यूनिक चीज़ें हैं वो हैं अपर क्लास के लोग पहले क्या पहनते थे, है ना, सिल्क वेलवेट और ब्रोकेड गारमेंट पहनते थे, या फिर जो कॉमन लोग थे वो क्या पहनते थे, कॉटन एंड लोकल फैब्रिक को पहना करते थे। इसमें आप याद कर लीजिएगा कि औरतें क्या पहनती थी और आदमी क्या पहनते थे। तो जो लेडीज़ थी वो पहनती थी साड़ी लहंगा चोली सलवार कमीज़ मेखला सदूर और वेस्टर्न कपड़े पहनती थी, और जो जेंट्स थे वो पहनते थे धोती कुर्ता अंगारखा कमरबंद लुंगी पगड़ी फेटा दस्तार और भी वेस्टर्न कपड़े पहनते थे। उसके बाद हम एम्ब्रॉयडरी पे आते हैं, तो एम्ब्रॉयडरी में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती थी उन्हें भी आप लोग याद कीजिए। मेटल स्ट्रेप पर्ल बीड्स क्विल्ट स्क्वेंस यूज़ होता था, है ना। उसके बाद ज्वेलरी एंड एसेसरीज, तो आप समझ गए कि हमारी ज्वेलरी और एसेसरीज हो गई मॉडर्न, और ये हो गई बिल्कुल लाइट वेटेड एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल से रिलेटेड। ओके तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, मुझे ऐसा लगता है, आप कमेंट करके बिल्कुल बताइए। अगर इस वीडियो में आपको कुछ इम्प्रूवमेंट का लगता है कि हाँ नहीं ये टॉपिक छूट गया है या फिर इसको और डील करना चाहिए था, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप बता दीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।